लो जी सजनों ते मित्रों, असी कोविड-19 जी विवाद की वजह नाल अपने अपने घरी बैठे हुए हैं, ते इसलिए डॉक्टर साहब दे नाल भी अज उन्हां दे घरों उन्हां दे उसे कमरे तो गलबात हो रही है कंप्यूटर के जरिए। असी सोचा सी कि एक नवा सिलसिला भी शुरू किया जाए प्रोग्राम का, जिदे जो मुढ़ला उहदा खास जो होगा वो होगा फलसफा, कि फलसफा है की, और कुछ थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब ने लिखा है और कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने मैंने पढ़ाया है। ते प्रोग्राम असं यही तय किया कि पहले फलसफा की डेफिनेशन जी है ना वो पहले शुरू करिए कि फलसफा है की, ओदा जरा की कहते हैं खुद अपनी जात विच फलसफा की है वो तो गल शुरू करने हैं। ते डॉक्टर साहब ओवर टू यू। हाँ जी, मैं बस इन्नी गल करनी सी कि वो जिहड़ी आ वो पूरी किताब जिहड़ी आ वो मैं लिखी है पंजाबी विच फलसफे दी तारीख ते वो जिहड़ी आ ये वायरस जरा खत्म होएगी ते वो छप जाएगी। ते दूजी मैं गल ये कहना चाहुंदा सा इस शुरू करन तो पहले कि मेरी जिहड़ी फर्स्ट लव है जिंदगी दी इलम दे विच वो फलसफा ही है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर तो लैके तो एमए तक फलसफा ही पढ़िया, तो उस तो बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी फलसफा ही पढ़ाता रहा। ये मैं बहुत बाद विच आके पीएचडी इकनॉमिक्स की है, कोई बहुत कोई 19 साल के वक्फे के नाल। किताब तुसी हुण आके लिखी है फलसफे दे। हाँ जी, वो किताब हूँ लिखी है, हूँ सोचा कि जो समझ आती है वो लिख दे नाले पंजाबी च लिख दिए थे। ये चीज पूरी ही हाथी हंडा के समझ आई कि फलसफा है कि पहले पढ़ दे रहे हो ना। पता नहीं वो भी समझ आई है कि नहीं आई, कितनी समझ आई है। बहरहाल एक ऐसा समुंदर है कि यदि अथाह कोई नहीं हैगी, इतने तुरते जाओ अगे तो अगे है, हाँ तो इस वास्ते की क्या जा सकता कि समझ आई है कि नहीं आई। बारे इतों गल शुरू करने हैं कि फलसफा जड़ा है वो है की है, हाँ मतलब फलसफा जड़ा बुनियादी तौर दे उत्ते ते ये है कि तुसी दलील नाल लॉजिक नाल किसी चीज नू साबित कर दियो। तुसी कोई चीज जड़ी है वो पहले तो फर्ज नहीं कर दियो। यदि मैं मिसाल तुहानू इंज दे सकना है कि मिसाल के तौर पर अली अब्बास जलालपुरी का और मेरा ख्याल है शाहिद हुसैन का, शायद दोवां का डायलाग बड़ा लम्मा चलिया सी फनून दे विच। उहदे विच एक जो वो लिखते सन तो एक दूसरे शुमारे चा जवाब आता सी। उहदे विच बहस यह सी कि क्या अलामा इकबाल जड़े ने वो फलसफी है निक नहीं है। ते अली अब्बास जलालपुरी की मशहूर किताब है इकबाल का इल्म कलाम, ते अली अब्बास जलालपुरी साहब का जड़ा व्यू है वो ये है कि इकबाल जड़ा है वो फलसफी नहीं हैगा, वो इल्म कलाम का माहिर है। इहदा मतलब की होया? इहदा मतलब यह है कि तुसी पहले एक जड़ी जड़ा मजहब है या एक जड़ी जड़ी सेट ऑफ रूल्स ने उन्होंने तुसी मान लिया है, ठीक है। मतलब जो बुनियादी रूल ने तुसी मान लिया है, तो हूँ तुसी उन्हों साबित करन जा रहे हो कि वो क्यों सही सही ने, मतलब। लेकिन फलसफे दे विच जिहड़ी बुनियाद है वो ये है कि तुसी किसी चीज नू मन के नहीं तुरदे, तुसी हर चीज नू जिहड़ी है वो साबित करना होंदा है कि ये चीज क्यों है। इंज नहीं हो सकदा कि तुसी पहले इस फर्ज कर लो कि जी ये दरख्त जिहड़ा है ये भगवान है, ते फिर तुसी ओदियां अगों सिफतां बयान करनी शुरू कर दियो। पहले तुहानू ये दसना पड़ेगा कि पहले साबित करना पड़ेगा कि दरख्त भगवान क्यों है दलील दे नाल। ठीक ये फलसफे दी एक मोटी जिही तारीफ है। ठीक है। ये मजहब नू भी फलसफा ही समझा जाता है ना, क्या कहा जाता है ते, लेकिन उधर तुसी मिथ लेंदे हो कि रब है और फिर अगे गल करते हो कि की है मतलब हाँ उधर। जी, वो फर्क है ना कि जी मजहब दे विच ते तुसी जिहड़ा बुनियादी तौर ते पहले मान लेंदे हो ना कि तुसी सब कुछ मान के ते फिर तुसी अगे दलीलां देंदे हो। ठीक है। वरते बहुत सारे जिहड़े फलसफी ने जिन्हां विच कांट और हेगल और बाद दे मॉडर्न फलसफी भी शामिल ने, उन्हां ने खुदा दी हस्ती नूं साबित करन लई फलसफियाना सबूत दिते ने।
लेकिन ये है कि वो फलसफियाना सबूत जड़े ने वो मानता तो नहीं शुरू होंगे। मिसाल के तौर के उत्ते जरा डिकार्ट है वो जरा साबित करता है खुदा की जात को, तो वह कहता है कि जड़ी जड़ा मैं वा और मेरे इर्द गिर्द जी चीज़ा ने वो सारिया इम्परफेक्ट ने, उन्होंने चो कोई मुकम्मल नहीं हैगी, हर चीज च कोई खामी है। इहदा मतलब है कि मेरे ज़ेहन दे विच जिहड़ा मुकम्मल या कंप्लीट या इनफिनिट दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वह आ नहीं सकता। इहदा मतलब यह होया कि वह इनफिनिट कोई हस्ती हैगी है जिहड़ी वह ख्याल नूं पैदा कर रही है। सो तुसीं देखिया कि वह दलील दे के इनफिनिटनैस दी ते साबित कर रहा है, वह यह मन के नहीं चल रहा कि है वह। ठीक है, हाँ हुण अगला सवाल जिहड़ा मेरे ज़हन च आंदा है कि फलसफा किवें ते क्यों शुरू होया। हुण जितना मैं पढ़ सकिया तो मैनूं समझ इतनी आई सी कि इंसान ने अंदरों भी और बाहरों भी जदों दुनिया नूं देखिया है तो उन्हें क्या अंदरों का मतलब है कि उहदे दो ब्रांचेस ने कि अंदरों उन्हें क्या कि रूह कित्थों आई है ते कित्थे जांदी है, मैं कौन आ किस तरह, और फिर है कि बाहर जदों उन्हें कायनात देखी है हयाती देखी है ते उह एक्सटर्नल एक जिहड़ा ना उहदा इन्फ्लुएंस है उह कि इह कित्थों आया सारा कुछ, पर तुसी दसो के किवें शुरू होया फलसफा। देखो ना वो इंज गल हैगी है कि जिहड़ा जिहड़ा रूह का भी फलसफा है ना कि रूह हुंदी है, ये फलसफा भी बहुत बाद दे विच आया। फिसागोरस ने पहली बारी रूह का फलसफा पेश किया, एक लाफानी रूह इंसान की हैगी, ये रूह का भी फलसफा बहुत बाद च आया। ठीक है, शुरू जिन्हों तुसी बुनियाद कह सकते हो ये हो कि ये है कि जो इंसान ने जानवरां नूं ते प्लांट्स नूं इन्नी पौधियां नूं जदों उन्हें उन्हां दे उन्हां नूं अपने वश च कर लिया ते उहदी फिर जिहड़ी ऑब्जरवेशन सी उह वध गई, उहदी ऑब्जरवेशन प्लांट्स ते भी हो गई, उहदी ऑब्जरवेशन जिहड़ी है उह एनिमल्स ते भी हो गई कि उह किवें जमदे ने, किवें जवान हुंदे ने, किवें मरदे ने। ते उहने फिर ये सोचिया कि इहदा मतलब है कि इन्हां सारिआं दे दरम्यान कोई एक असूल हैगा, एक ही असूल है जिहदे तहत यह सारा कुछ हो रहा है। ते उस इस इह समझदा होना जिहड़ा है, इस गल दी समझदा होना जिहड़ा इह फलसफे दी बुनियाद सी। लेकिन शुरू दे विच जिहड़ी बहुत शुरू सी इंसान दा उहदे विच इह जिहड़ी सारा कुछ सी इन्नू बंदा जिहड़ा है वह जादू दे नाल देखदा सी। वह जादू दा फलसफा इत्थों आया कि बंदे ने जदों ये देखिया कि जिहड़ा सारा जहान है उहदा एक ही असूल है, एक ही कानून है, ते जिहड़ा बंदा है उहदी अपनी जात दा भी उही कानून है, ते उहने नाले सोचा कि इहदा मतलब यह होया कि जे मैं अपनी अपने अपने जुस्से नूं दे अंदर ताकतां पैदा कर लवां ते मैं बाहर की दुनिया जिहड़ी है उन्हां नूं भी तब्दील कर सकदा क्योंकि मैं वह असूल दे उत्ते हावी हो जाऊंगा। लादा ये शुरू च इत्थों होया कि ये जादू टूने इन्हां दी बुनियाद बनी। लेकिन फिर अगे जा के जिहड़ी गल शुरू होई वो ये सी, इत्थों शुरू होई कि ये जिहड़ा जहान है ये किस मादे दे नाल बने। अच्छा, मतलब यह है कि जिहड़ा देखो इहदी च इहनूं बहुत गौर नाल लोड़ है कि जिहड़ा शुरू सी ना बंदे दा, शुरू विच बंदे दे ज़ेहन दे विच कोई खुदा दा कोई हस्ती दा कोई तसव्वुर नहीं सी हैगा, उहदी इर्द गिर्द मादी चीज़ां सन, हर चीज़ मादी च होंदी है इर्द गिर्द, हवा पानी अग दरख्त हर शहर जड़ी सी वह मादी सी। इस जदों शुरू दे विच उन्हें कायनात दा मुढ़ लभना शुरू किया ते मिसाल दे तौर दे उत्ते जिहड़ा यूनानी फलसफा है वह शुरू होंदा है थेल्स तो। ते थेल्स ने कहा कि जी ये सारी दुनिया जिहड़ी है ये पानी तो बनी है। ठीक है, पानी के मादे तो बनी है क्योंकि पानी जिहड़ा है उहनूं गर्म करो तो हवा हो जाता है, जे उन्हूं बहुत ठंडा कर दो ते ओ है ओ ओ जमीन बन जाता है। इसे तरह जिहड़ा उस तो बाद एनेक्सम लीस सी
यूनानी फलसफी फलसफी के अपना थेज तो बाद आया, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद सीगा। उन्हें कहा नहीं जी, सारी जी दुनिया का मुड है जड़ा कायनात बनी है वो हवा तो बनी है, क्योंकि हवा जड़ी है वो जो जमदी है तो पानी हो जाती है। तो फिर उन्हें कहा कि जी ये असूल ये है कि जिड़िया जड़ा जड़ा बेसिक असूल है वो है अपना खिलरन का कट्ठे होने का, मतलब हवा जो खिलरती है तो एक अमल है, एक जो कट्ठी होती है तो वह एक अमल है, ठीक है। लिहाजा ये जी सारी हरकत है कायनात दे विच ये इन्हां दोहां दे तजाद दे नाल चल रही है। सो ये इस ए सी अच्छा ये जो फलसफा चल रहा है यूनान वाला उदों तक जी साढ़े अल हड़प्पा जी सिविलाइजेशन है उन्होंने तो उजड़िया भी कोई हजार साल हो गया है, मतलब भी कोई ना कोई फलसफा तो होगा। हाँ जी जाहिर गल है कि वो भी फलसफा तो उन्होंने भी है सी, और यह है कि जी तहजीब उजड़ गई शहर उजड़ गए, लेकिन लोग तो है सर ना, तो यह है कि उन्होंने लोगों की जो सोच सी जो जिस तरह वो आर्टिकुलेट करते सन उन्हों का जिक्र जोड़ा है वो सानू वेदा के दूसरे चीज़ों के मिलता है। इस तरीके मिलता है कि उन्होंने झूठा करने लिए वेद जोड़े ने उन्होंने जोड़े फलसफे ने जिक्र करते हैं। सो एक इनडायरैक्ट तरीके सूँ पता लगता है कि जोड़े हड़प्पे तहजीब के लोग सन पुराने उन्होंने की विचारधारा सी, वो जी विचारधारा शुरू के जिमें मैं पहले कहा कि तंत्रवाद से, तंत्रवाद तो मतलब है कि बंदे का जो तन है, तंत्रवाद पंजाबी का लफ्ज है, यानी बंदे का तन जोड़ा है वो बुनियाद हैगी है सारी कायनात की। और जो बंदा अपने तन के उत्ते अपने तन के उत्ते करे तो तवज्जो और शक्तियां नु जगावे तो वह कायनात नु जोड़ा है वह कंट्रोल कर सकता है। अच्छा लेकिन जिहड़ा दूसरा ज्यादा इस तो अगली जिहड़ी मंजिल सी फलसफे दी उसी चार वाक दी, चार वाक दा फलसफा, चार वाक दा फलसफा ये सी कि जिहड़ी दुनिया है वो चार एलीमेंट्स ना बनी है, ठीक है, अग पानी ते हवा ते मिट्टी, हवा ते मिट्टी, बल्कि बल्कि पंच तत्व भी कहंदे ने कि उहदे च आसमान भी आ जांदे आकाश। हाँ जी हाँ जी, मतलब उन्होंने ईथर भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, तो वो पंज पंज वाक भी कई बनाया गया। लेकिन बुनियादी जड़ा सी ना जड़ा जड़ा बुनियाद सी चार वाक की वो ये कि चार एलीमेंट्स ने। बाय द वे ये जड़ी चार एलीमेंट का फलसफा है जड़ा कि ये जड़ी कायनात है ये चार एलीमेंट्स तो बनी है, ये खुद ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੈਸੇ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਆਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮਿਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪੁਲਸ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰਿਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਤੇ ਖਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਐਪੀਕੋਰਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪੀਕੋਰਸ ਸੀ। ਐਪੀਕੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰਕਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋਟੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਐਪੀਕੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੈਦਾ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸੱਥ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਫਲਸਫਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਯਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੈਰ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਮਤ ਹਾਂ ਜੈਨ ਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪਰਸੀ ਨੂੰ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਟਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਨ ਮਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਸਗੀਰ ਵਾਲੇ ਜੈਨ ਮਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮਿਸ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਸਫੀ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਜਹਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ
जर्रे तो जर्रिया तो बने हैं, जर्रे जड़े ने वो बहुत छोटे ने, मतलब जर्रिया जो कहते उन्होंने फलसफा यह कि जर्रे दो तरह के ने, एक जर्रे ने अकैरे, वो कैरे जड़े ने जर्रे ने वो तो नजर नहीं आते, दूजे ने कंबाइंड या गुंजल पाए जर्रे जड़े ने वो ने जड़ियां तो चीजा च नजर आते, जड़ा कैरा जर्रा है जो बेसिक जर्रा है वो लाफानी है वो इनफिनिट है इंटरनल है क्योंकि उन्हों तुसी तो मजीद तोड़ नहीं सकते, लेकिन जेड़े गुंजलक जेड़े जर्रे ने जिन्हां नाल चीजा बनिया ने जिवें बंदे बने ने जिवें जानवर बने ने या सारा कुछ बनिया है वो जिहड़ियां ने वो टुट सकदियां ने उन्हां दी शक्ल बदल सकती है वो बुनियादी जर्रियां विच चल जाएगी, इसलिए वो फानी ने लेकिन जेड़े गहरे जर्रे ने वो लाफानी ने। ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, हाँ जी जी जी, नहीं नहीं करो करो गल करो। दूजा जरा उन्होंने है कि यह जोटिया जड़े ने इकट्ठे होंगे ने जरे जड़े ने और यह जोटिया तो फिर अगे बनते ने, वो काफी उन्होंने कॉम्पलैक्स जो ना सिस्टम है इस बयान कर, लेकिन यह है कि ये तुसी गल याद रखो कि चूंकि वह भी जर्रे मनते सन इस वास्ते वह भी किसी उतली हस्ती नहीं सी मनते जैन मत वाले, ठीक है बिल्कुल ठीक। बुद्ध जिहड़े सन बुद्ध भी नहीं सी मनते किसी उतली हस्ती नूं, मतलब ये जिहड़े इन्हां नूं तुसी कह सकदे हो कि इन्हां विच रब नूं या भगवान नूं या उस तरह की हस्तियां नूं नहीं मनिया जाता और जैन मत बिल्कुल नहीं सी मनते सन, लेकिन जैन मत जिहड़े सी उन्हां ने भी अपनी जिवें आपी कोरस बनाई सी इवें जैन मत वालिआं ने भी अपनी कम्यूनिटी वक्री बनाई, लेकिन मसला जैन मत वालिआं दा इह सी कि उह हर चीज जी कायनात दे विच हैगी है उन्हूं उह बराबर दा जानदार समझदे सन और ये कहिंदे सन कि किसे दी भी तुसी जान नहीं लै सकते, मतलब किसे बूटे दी किसे जानवर दी किसे नहीं लै सकते, लादा तुसी ना गोश्त खा सकते हो ना तुसी सब्जी जी हरी सब्जी है वह खा सकते हो, तो इहदा मतलब ये होया कि तुसी हड़ भी नहीं वाह सकते क्योंकि हड़ वाओगे तो उहदे नाल ते कई तरह के प्लांट्स जिहड़े ने उत्ते थले हुंदे ने, ते इस वास्ते जिहड़े जीन जीन मत वाले सन इन्हां दा मज़हब जिहड़ा सी उह सिर्फ रिहा महदूद ताजरां तक ट्रेडर्स तक, क्योंकि सिर्फ ट्रेडर वह लोग सन जिहड़े इस नूं अफोर्ड कर सकते सन, ना किसान अफोर्ड कर सकता है, हुण कसाई किवें अफोर्ड करेगा, कसाई दा सारा कम ही है कि उहने बकरे नूं या छतरे नूं या गां नूं हलाल करना है ते उहदे तों उहने अपनी रोटी कमाउणी है, ते इस वास्ते इह बहुत जिहड़ा फलसफा सी इह महदूद रहा। ठीक है, हुण वापस असीं यूनान नाल आ जांदे हां क्योंकि साडे कोल टाइम असीं जिहड़ा बिथिया सी कि 30 मिनट दा उह असीं पूरा होण वाला है, ते इस लई वापस चल रहे हां अरस्तू और अफलातून नाल। नहीं, असीं अरस्तू अफलातून जिहड़ा है उह ख्याली फलसफे दी बुनियाद है, उत्तों ख्याली फलसफा शुरू हुंदा है, ते उह जिहड़ा ना उह असीं अगली वारी तो शुरू करांगे, अज असीं जिहड़ा ना उह बुनियादी जिहड़ा मादी फलसफिआं तों शुरू होया सी, अज मेरा ख्याल इत्थों तक असीं अपने आप नूं महदूद रखीए और ये जिहड़ी जिहड़ा तसव्वुर है इहनूं इहनूं पक्का करिए। चार वाक वाले दे बारे च मैं गल भुल गया सां जिहड़ी मैं दसना चाहुंदा हां, ये है कि चार वाक वाले जिहड़े जिन्हों असी फिलासफी च कहने हैं जिन्हों असी फिलासफी च कहने हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, ये तुहानू पता है कि इंडक्टिव लॉजिक ये हुंदी है कि तुसी इंडिविजुअल चीज़ां तो कुल दे बारे च फैसला करदे हो, ठीक, मिसाल तुसी कहंदे हो कि जी ए कां ही कला ओ कां ही कला, तो इस तो फिर तुसी नतीजा कर जो सारे कां काले होंगे, या यूनानी भी फानी सन हिंदुस्तानी भी फानी सन तो यूरोपी भी फानी सन, इसलिए बंदा फानी होंगे, सो तुसी इंडिविजुअल मसालों तो जिहड़ा है वो एक असूल कढ़दे हो, इन्नू जिहड़ा है इंडक्टिव लॉजिक कहा जाता है,
मैं इहदा तर्जमा कीता है अपना जिहड़ा मैं तर्जमा पंजाबी च कीता है वह मैं कीता है चढ़ांत चढ़ांत तरक यानी चढ़ाण का मतलब तुम चढ़ाई कर दो एक तो दूजे एक तो उत्ते चढ़ दो दूजा हैगा इस्तखराजी यानी डिडक्टिव लाज डिडक्टिव लाज की होंगी है कि तुम एक बेसिक प्रिंसीपल मान लेंगे हो फिर वो तो नतीजा कट दो जी बेसिक प्रिंसीपल मान लेंगे होता गलत या सही होना जड़ा वो साबित नहीं होता। मिसाल के तौर पर तुम ये क्या कि जी इंसान फानी है एक एक प्रापोजिशन आ गई दूसरी प्रापोजिशन आ गई जी मंजूर एजाज इंसान है ठीक सो नतीजा की निकलिया कि मंजूर एजाज फानी है इनू कहते ने इस्तखराज या इनू कहते ने डिडक्टिव तो यदा मैं जरा तर्जमा किया लांत किया लेंदा है उतो थले लेंदा है एक उपरले असूल मान के तो थले असी आने कुल तो असी जुज वाल आने अच्छा लेकिन यह है कि ये जो चार वाक वाले सन ये नहीं सी मानते चार वाक वाले जो हिंदुस्तान पंजाबी फलसफा सी ये मनिया जाता सी कि हर चीज जी है वह हवास के नाल साबित होनी चाहिए जिहड़ी चीज हवास नाल साबित नहीं हो सकती उन्हों असी मन नहीं सकते बहुत मशकूक समझते सन के अगर तुसी जड़ा जड़ा चढ़ाण दा या जड़ी इंडक्शन है उहदे नाल वी जिहड़े नतीजे निकल जो वह पूरे दुरुस्त नहीं होंदे लिहाजा वह हवास के उत्ते जरा पूरे जरा मैटर का जी सेंस देख सकते हो शहादत दे सकते हो गुआई दे सकते हो उहदे नाल वह सारा कुछ समझने की कोशिश करते सो लिहाजा इतों असी इतने मेरे ख्याल गल जरा वह मकाने शुरू के फलसफे सन ये ज्यादा मटीरियल मटीरियलिस्ट सन और ये मैटर तो जहान नूं समझन दी कोशिश कर रहे सन मैटर किस तरीके दे नाल जर्रे दी शकल दे विच या गैर जर्रे दी शकल दे विच मैटर ही है जिसे नाल कि यह पूरा यूनिवर्स बनया सी। हुण असीं अगली बारी जदों गल करांगे ते असीं फिर आइडियलिज्म दी गल करांगे ठीक है फलसफे दे विच वी ते हिंदुस्तानी फलसफे च कि जिदे विच ए है कि ए दुनिया जिहड़ी जिहड़ी असीं वेख रहे हैं मादी दुनिया है ये असली नहीं है बल्कि एक होर दुनिया जिहड़ी है वो असली है ये असीं अगली बारी गल करांगे। बिल्कुल ठीक है इत्थे ही प्रोग्राम खत्म करने फिर अगले ते फिर डिटेल्स गल होएगी। थैंक यू सर।